क्यों फॉर्चून बिल्डर के खिलाफ हो सकती है कानूनी कार्रवाई, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शहर का जाना माना नाम फॉर्चून बिल्डर आए दिन अपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। वर्तमान में इसका एक और कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि फॉर्चून बिल्डर ने बावड़िया कला में शुरू किए जा रहे नए प्रोजेक्ट के दौरान रेरा से अनुमति लेने का प्रयास किया था, जिसका रेरा ने अपूर्ण एवं अधिनियम का उल्लंघन मानकर करीब 19 बिंदुओं के आधार पर आवेदन निरस्त कर दिया था। फॉर्चून बिल्डर के संचालकों ने दोबारा 8 जून को रेरा में आवेदन किया। इस बार भी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले बिल्डर के आवेदन को निरस्त किए जाना तय है। आपको बता दें कि रेरा में कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने की शिकायत मिलने पर रेरा फॉर्चून बिल्डर के संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दानिशकुंज ब्रिज के पास फॉर्चून बिल्डर ने कलियासोत नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण कर लिया है। संचालक अजय मोहगावकर और समीर गुप्ता नदी के किनारे कैचमेंट एरिया में लगभग 2-2 करोड़ रुपए की आलीशान कोठी बना रहे हैं। इसके लिए भी बिल्डर ने नदी किनारे मलबा डालकर सीसी रोड भी बनाया है। साथ ही यहां बिल्डर के साइट ऑफिस का निर्माण भी किया गया है। खबरों के पल पल अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज। धन्यवाद।